कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है Are यू listening मी क्लियरली थैंक यू मिस्टर तलहा थैंक यू मेरे बच्चों कल जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट was एक्चुअली प्रैक्टिस थी ट्रांसफरिंग एंट्रीज की उसमें हम लोगों ने सीखा था कि इनकम स्टेटमेंट की चीजें आप लोग ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट लेकिन बैलेंस शीट की जो चीजें होती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो चीजें होती हैं उनमें आप ये वाले पंगे नहीं लेते उनमें हाँ अकाउंट्स टू अकाउंट्स बैलेंसेस हो जाते हैं जैसे हमने कहा था कैपिटल ट्रांसफर हो जाता है टू ड्राइंग्स ट्रांसफर होती हैं टू कैपिटल करंट अकाउंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू अदर कैपिटल्स इस तरह कुछ और भी डिफरेंट चैप्टर्स में हम ये बात पढ़ेंगे और इस पर हमने कुछ डबल एंट्रीज बनाना सीखी थी आ, अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अदरवाइज बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्लीज डू लेट मी नो सर यहाँ तक क्लैरिटी है प्लीज बताएं जरा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ भी सकता है इज देर एनी क्वेश्चन गाइज प्लीज बताएं जरा नहीं गाइस आज मैं आप लोगों को थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आ, की सेंस दूंगा आज के जो हमारा क्लास है उसमें हम दो चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर मैं आप लोगों को कुछ डबल एंट्रीज कराऊंगा जो कि आगे चल के हमें हेल्प आउट करेंगी अगर आज उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर उनको डिस्कस भी कर लेंगे डबल एंट्रीज को उसके बाद गाइज आज इतना ही कल हम लोग क्या कर रहे होंगे कल हम लोग छोटे छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ट्रायल बैलेंस गिवन हुआ करेगा कुछ एडजस्टमेंट्स जो डबल एंट्रीज में हम सीखेंगे वो एडजस्टमेंट्स के साथ हम थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे सो दिस इज टू एंड टूम प्लान एंड लेट स्टार्ट करें स्टार्ट मेरे बच्चों जरा प्लीज बता दीजिएगा जरा थैंक यू सो मच गाइज मेरे बच्चों सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है अब दैट इज गाइस जस्ट वन मिनट वन नोट मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो गिव मी जस्ट फ्यू सेकंड्स मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लू ओके okay, मेरे बच्चों लेट्स स्टार्ट गाइस सर हमारा मसला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर सर ये अकाउंटिंग में एंड प्रोडक्ट ये होती है सर हमारी ये जो नोट्स हैं ये ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सर ये हमारी एंड प्रोडक्ट होती है सर अल्टीमेटली हम अकाउंटेंट्स जो चीज एंड पे बनाते हैं या जिसको बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट फॉर अकाउंटेंट्स तो अगर वो फाइनेंशियल अल्टीमेटली अकाउंटेंट्स करते क्या है क्या यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं मेरे बच्चों ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, हम भी कहते हैं। यानी, में कितनी चीजें होती हैं कितने ये है, कितने तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं मेरे बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट है statement position, ये हम बनाते हैं। इसमें हम लोगों ने एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी मतलब कैपिटल ये कैपिटल और इसके साथ ही आप लोगों ने ये इक्विटी की जगह मैं कैपिटल एंड ड्राइंग्स लिख लूंगा तो इसमें कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी आएंगे ये लें सर ये चीजें आती हैं मेरे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल पोजीशन में पुराना नाम क्या था सर ओल्ड नेम क्या है इनका जो अभी भी यूज हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि यूज कर नहीं सकते तो ओल्ड नेम सर ओल्ड नेम है इसका इनकम स्टेटमेंट लें सर इनकम स्टेटमेंट नहीं मेरे बच्चों दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट जी सर इनकम स्टेटमेंट प्लीज बताइएगा जरा ओल्डमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन इनकम स्टेटमेंट है ना सीरियसलीट no, है अच्छा तो आपने तो बोल दिया था बी एन एल प्रॉफिट एंड लॉस ना मेरा बच्चा बैलेंस शीट नाम होता है वो तो SFP होती है ना हाँ जी बैलेंस शीट तो एसओ एफ पी की ही तो बात हो रही है आप लोगों ने मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखा लोगों ने बैपी एंड एल भी बोलना शुरू कर दिया मर्जी है आप तो लोगों की ध्यान नहीं देते आप लोग कंफ्यूजन वाली बात थी सर इसका नाम है बैलेंस शीट सर इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं पुराना नाम बैलेंस शीट था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट सर इसमें एसेट्स होते होते हैं होते हैं है तो है। इंडिविजुअल्स और और के लेवल पे, पे और पार्टनरशिप के लेवल पे हम लोग इसके लिए कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं सर आगे मेरे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इज द सेकंड स्टेटमेंट जो कि हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं मेरे बच्चों इसका पुराना नाम क्या है ये इनकम एंड एक्सपेंसेस नाम है इनकम स्टेटमेंट नाम है इसका और पी एन एल भी कहते थे सर इनकम स्टेटमेंट पी एन एल लेकिन आपको पता है ना कि इनकम स्टेटमेंट दो एरियाज में डिवाइडेड है पी एन एल और ट्रेडिंग अकाउंट इसको मैं आज दोबारा भी बताऊंगा ले जी पी एन एल एंड ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है सर ये बात हमें पता है सर आगे चलें सर सर देन वी हैव अदर स्टेटमेंट्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है जो आप अगले पेपर्स में पढ़ोगे एफ आर वन में टू में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एफ आर वन में जो एफ आर वन में तो होगी ये एफ आर वन में पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मेरे बच्चों आप लोग एफ आर वन में पढ़ेंगे ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में सिर्फ कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज दिखाए जा रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इक्विटी मतलब कैपिटल ये वाला कैपिटल की मूवमेंट सारी इधर दिखाई जाती है लिखा हुआ है नोट टू द फाइनेंशियल नॉट इन सिलेबस इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमने बताना होता है सर ये क्या है सर नोट अकाउंट्स में क्या होगा सर नोट टू द अकाउंट्स में वर्किंग्स होती हैं सर ये जितनी वर्किंग्स आप करते हैं ना वो सारी नोट अकाउंट्स होती हैं वर्किंग्स एसेट की वर्किंग लाइबिलिटी की वर्किंग एसेट को डेप्रीशिएट करने के बाद इतना रह गया वर्किंग्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी पॉलिसीज क्या है आप फाइफो यूज कर रहे हैं आपको यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया जाता है तो वर्किंग्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज की एक्सप्लेनेशन डिटेल्स ऑफ ईच आइटम

थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होती कहीं नहीं होती लेकिन फिर भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सर वर्किंग इन्फॉर्मेशन ये सारी की सारी आपको नोट शुदा मिलती है सर क्या हमें ये याद रखना जरूरी है मजे की बात बताऊं एक दफा तीन नंबर का उसने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये क्वेश्चन उसने पूछा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये लिखने के नंबर यार आप इमेजिन कर सकते हैं जरा प्लीज जरा बताएं खाली ये लिखने के तीन नंबर होंगे तो माल ही नहीं हो जाएगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और वर्किंग्स सर यहां तक अगर आप लोग साथ हैं तो प्लीज बताइएगा जरा अगर कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लें मैंने कहा थी पांच तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिनमें से तीन तरह की चीजों पे बात होगी इसके ऊपर कंप्लीट बात नहीं होगी थोड़ी सी बात है इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड प्लांट नॉन ग्रेंट एसेट से रिलेटेड तो याद रह जाएंगे पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कल को मैं सुनूं तो पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सुना सकते हैं सर सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन क्या है सर सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाती है लोगों को सर बैलेंस अकाउंटिंग नाम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का तो लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देती है तो बैलेंस शीट लोगों को रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी एट अ पर्टिकुलर डेट किसी एक दिन अगर आप पूछेंगे ना यार इस दिन एंटिटी की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है इनके फाइनेंशियली हालात कैसे ठीक है? है यार स्ट्रॉन्ग लोग हैं या फारग लोग हैं कम बिजनेस के हालात ठीक है फर्ग है ये ये एक दिन की फाइनेंशियल पोजिशन को दिखाती है ये बैलेंस शीट स्टेबल ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ये दिखाएगी सर अच्छा सर what's next सर? आगे क्या सर यूजली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनती है ये जरा बात याद रखने वाली है यूजली हम ईयर एंड के ऊपर बनाते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है ये बात क्लियर कर ये मंथ के एंड पे भी बन सकती है ये क्वार्टर क्वार्टर के एंड पे मतलब तीन माह बाद भी बन सकती है ये सेमी एनुअली भी बन सकती है सेमी एनुअली का मतलब ये है कि छः-छः माह के बाद तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल पोजिशन एंड पे बने इसीलिए उसने भी वर्ड यूज किया है यूजली यूजली एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे यूजली एंड पे बनाई जाती है ईयर के लेकिन मंथली भी बन सकती है तो क्वेश्चन में आप तैयार रहना कि वो बैलेंस शीट मंथ के एंड पे पूछ ले वो बैलेंस शीट क्वार्टर के एंड पे पूछ ले वो बैलेंस शीट किसी एक दिन पे किसी भी दिन पे खड़ा होकर पूछ ले ओके okay, सर क्या क्या चीजें नजर आती हैं सर इसमें एसेट्स लाइबिलिटीज और ऑनर्स कैपिटल और एक चीज और मैं बार बार लिख रहा हूं ड्रॉइंग्स से इसलिए नहीं लिखी जाती कि भी हाँ जी बिजनेस है या drawings business का uh, capital में reduction है What is drawings? ये जरा so, में reduction capital है. Reduction है. Expense नहीं है ये पक्की बात है याद रख लो बात सर ओके गाइस दैट्स रियली गुड अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आगे क्या से? सर इसमें ना हम लोगों ने क्या करना होता है शाबाश ये कैपिटल में रिडक्शन है इसको एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं कहना है। क्योंकि अगर ये होता तो फिर आपको पता ही है कि ये किस स्टेटमेंट में जाता सर एसेड एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेस ओन करता है कंट्रोल करता है एंड इज अवेलेबल फॉर यूज इन द बिजनेस तो ये अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो मैं इसलिए इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ तो प्लीज पूछ लेना सर एसेट्स को ना आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है करंट एसेट्स

जी सर, several years. एक साल से ज्यादा जिनके बेनिफिट होते हैं दो हिस्सों में बांट के दिखाना इसका मतलब पढ़ा था वो फॉर्मेट था कि हमें एसेट्स चाहिए बैलेंस शीट में ये ये फॉर्मेट पढ़ा था हमें बेसिक फॉर्मेट एसेट्स फिर मैंने कहा था मुझे कैपिटल चाहिए जी सर कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी और इसी में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा मैंने कहा था और अगर लॉस हुआ तो वो लेस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस इसकी ट्रांसफरिंग एंट्रीज भी हमने सीखी थी इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट लॉस आता है और प्लस आप करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये है कि इन एसेट्स को हमने दो हिस्सों में बांट देना एक नॉन करेंट एसेट्स हैं और एक करंट एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे एक साल से ज्यादा वो नॉन करेंट एसेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देंगे वो एक साल से वो करंट आ सकते हैं दो हिसो में बांटना है सर बांटने का फायदा है। सर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे हालात कैसे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखें जी शॉर्ट टर्म में हमारे बेनिफिट इतने आने हैं लॉन्ग टर्म में हमारे पास ये हैं तो जिसके पास ये एसेट ज्यादा होते हैं ना उसकी हालात उसके हालात ठीक होते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है वो अमीर बिजनेस होता है जिस तरह अमीर बंदा होता है सर इसी तरह ये जो लाइबिलिटीज हैं इन लाइबिलिटीज को भी आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बांटना है ऐसी लाइबिलिटीज जो कि आपने आने वाले बारह माह में पे कर देनी है

उसका कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म हो कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म हो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है सर सर एक लोन है जिसका 200 आपने आने वाले 12 माह में पे करना है ये पेमेंट्स लिख रहा हूं मैं जो करनी है आपने फिर आपने अगले साल में दोबारा 200 पे करना है फिर आपने 500 पे करना है फिर आपने 500 पे करना है सर यहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सर आने वाले बारह माह में सर मैं क्या बोल रहा हूँ आने वाले बारह माह में जो पे होना होता है वो शॉर्ट टर्म होता है सर तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बन जाएगी सर ये जो है ये ये एक साल के बाद जितना पे होना है वो सारा फिर फर्क नहीं पड़ता दूसरा तीसरा चौथा पांचवा साल सारा का सारा क्या बन जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाती है तो सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी आ रही है शॉर्ट टर्म कितनी आ रही है सर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दो है लोन की तो ये लोन का शॉर्ट टर्म पोर्शन है ये लॉन्ग का लोन का लॉन्ग टर्म पोर्शन है विच इज ट्वेल्व तो सर ये लॉन्ग टर्म पोर्शन है ये शॉर्ट टर्म पोर्शन है क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई है प्लीज डू लेट मी नो अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग थैंक यू मिस्टर आदिल आपने हाथ फ्रेज किया जी सर बाकी लोग भी साथ हैं मेरे तो चलें सर लाइबिलिटीज को हमेशा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में बांटना है एसेट्स को हमेशा सोचना है कि वो करंट है या नॉन करंट है इसी तरह लाइबिलिटीज भी नॉन करंट है या करंट है करंट को शॉर्ट टर्म भी कहते हैं सर शॉर्ट टर्म है ना आने वाले बारह माह में इनको शॉर्ट टर्म भी कहते हैं

वो प्रॉफिट कमाने से बढ़ेगा या कम होगा अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया है इनकम स्टेटमेंट से तो वो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा सर प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है प्लीज डू लेट मी नो सर अगर किसी को हल्का सा भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज आ, मुझे बता दीजिएगा मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं तो अगर कोई ऐसा बच्चा आ गया बीच में भूले भटके से जो कि पहली दफा पढ़ रहा है तो प्लीज मुझे बता दे आ, ताके मैं उसके हिसाब से बताता रहूँ कि क्या होगा ठीक तो है सर ठीक है थैंक यू सो बढ़ेगा डिक्रीज होगा ड्राइंग से लॉस से कम होगा और ड्राइंग से कम ये सर कैपिटल की मूवमेंट्स हैं जो हमने दिखाया करनी है बैलेंस शीट में अब सर मैं थोड़ा सा दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसको दूंगा कुछ लोग भूल जाते हैं ऐड होना लेस होना

उसमें मैंने कहा था यार आपने इनकम लिखनी है सपोज करें ये इनकम 200 है ये लें और ये इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है ये सबको पता है और फिर मैंने कहा था आपने एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लिखने हैं का बैलेंस बैलेंस है है मेरे बच्चों ये डेबिट होता सर प्रॉफिट को ना हम डिफाइन कैसे करते हैं प्रॉफिट को हम डिफाइन करते हैं इट्स एन एक्सेस ऑफ इनकम ये बची हुई इनकम है ओवर एक्सपेंसेस खुद सोचो ना जरा 200 में से 150 माइनस किया तो ये जो 50 बचा ये इनकम का है या एक्सपेंस का है ये इनकम का है सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एक्ससेस ऑफ इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस वो ये बची हुई इनकम होती है मेरे भाइयों इसका बैलेंस क्रेडिट होता है इसी तरह लॉस का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि वो बचा हुआ एक्सपेंस होता है अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक बच्चा जो के जिसने हम, हम जी सर हमारा एक बच्चा है मिसबा मिसबा मुश्ताक हमें बताएंगी कि बच्चे इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाई जा सकती है इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं मिस रहने दो आदिल बताएगा आदिल इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की मैंने ट्रांसफरिंग एंट्री टू ट्रांसफर प्रॉफिट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट टू बैलेंस में इस प्रॉफिट को लेके जाने की क्या एंट्री मिस्टर आदिल ओके okay, गाइज आदिल uh, थोड़ा लिखने में मसरूफ आई थिंक तब तक मुझे बता दे अशना अशना व्हाट वुड बी द एंट्री प्लीज जरा माइक ऑन करके बता दें लिखने में टाइम निकल जाता है सर प्रॉफिट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाकी बात है बच्चे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस को और क्रेडिट कर दूंगा तो क्या ये पचास इधर से खत्म होगा ये तो डबल नहीं हो गया जी सर तो फिर क्या करूं? तो इसको डेबिट कर देंगे और और किधर जा रहा है उधर डेबिट करो ना जिधर जा रहा है आदिल भाई जा किधर रहा है प्लीज जरा समझे मैंने एंट्री पूछी थी बैलेंस शीट में इसको लेके जाने की एंट्री क्या है देखा ये पंगे हैं भूलोगे तुम लोग यही तो पंगे हैं मैं भूलने नहीं दूंगा इनशाला तुम लोगों को आई एम टेलिंग यू मैं हर टॉपिक के साथ साथ ये चीजें साथ, साथ 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 रखूंगा सर अहमद साहब ने अहमद खान साहब ने बिल्कुल सही डबल एंट्री पास किया उसने कहा सर ये इनकम स्टेटमेंट है ना ये इनकम स्टेटमेंट इसको तो डेबिट करें ना आप पचास से ताकि ये पचास इधर से खत्म हो जाए इधर जीरो करना है आपने इसका मतलब है डेबिट आपकी इनकम स्टेटमेंट हो रही है ये इनकम स्टेटमेंट हो रही है सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं कहते ट्रेडिंग अकाउंट होता है जीपी तक ग्रॉस प्रॉफिट तक हम नेट प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं हम जीपी को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो डेबिट इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल क्रेडिट करना है आपने कहां पे लेके जा रहे हैं ये कैपिटल में एडजस्ट कर ये कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट करना है आप लोगों ने बैलेंस शीट या कैपिटल इन बैलेंस शीट ये लें जी कैपिटल और मैंने यहां पे लिख, लिख लिया बैलेंस शीट सर ये डबल एंट्री बनाई है सर आप सर खुद सोचे ना यहां पे क्रेडिट करेंगे ये एसओएफपी का एरिया है ये बैलेंस शीट का एरिया यहां पे क्रेडिट करेंगे तो ऐड होगा ना अदरवाइज यहां पे डेबिट करते रहोगे तो लेस हो जाएगा सो so ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री है सर कहां पड़ी थी सर हमने तो नहीं ये पड़ी थी सर लोग कहेंगे कि के नहीं पढ़ी थी मैं आप लोगों को सिर्फ रियलाइज कराता जाऊंगा साथ साथ तुम लोग मेरे करते हैं ना तो क्लास में तो चुपेड़े चल रही होनी थी मैंने चुपेड़े मार मार के ये या डबल याद कराता ये ये वाली मैं ये ले मेरे बच्चों ये देखें जरा ये ये डबल एंट्री पूछ रहा था मैं प्रॉफिट को ये लें जी प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर करना है टू कैपिटल अकाउंट तो डबल एंट्री डेबिट नेट प्रॉफिट इसको खत्म करें क्रेडिट कैपिटल अकाउंट करें याद आया दो दिन नहीं संभाले जा रहे हैं मेरे भाइयों से तो आगे क्या संभाला जाना है आप लोगों से याद आया या नहीं सर सिखाऊं ये वाली दोबारा सिखा दूं ये समय लगी है बोलो यार आदिल अहमद आमना अशना आतिफ फातमा मुस्तफा मिसबा रमशा एन नाइन्टी फाइव तलहाली जफर प्लीज डू लेट मी नो यार तो की बात है ये मैं तुम लोगों को भूलने तो नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को बस चपेटे नहीं मार सकता मैं सर ये एंट्री ऐसे नहीं है कि ये ये पूरे फॉर्मेट बना के फिर आपसे पूछी जाएगी सर कोई भी किसी भी तरह पूछ सकता है तो आनी चाहिए भाई एक जगह से ट्रांसफर करनी है दूसरी जगह तो सर ये पड़ा था सर लेथ सी जी दोबारा वापस आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ले जी तो सर ये अब बनना है अभी ये एंट्रीज अब पास होंगी सर सर अब मेरे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रेंसिव इनकम में क्या आता है अब जरा सुनने वाली बातें हैं ये जरा अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं पहले सबसे पहले बैलेंस शीट करा दूं सर बैलेंस शीट में प्लीज जरा अंडरस्टैंड करना है जिस बात का पता नहीं ना चलेगा वो आप लोगों ने पूछना मेरे से इसकी मैंने प्रैक्टिस करानी है जरा और करना सर 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 सबसे पहले आपने बिजनेस नेम लिखना होता है फिर लिखना होता है आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट बनती है एज एट किसी एक दिन की होती है एज एट बड़ा इंपॉर्टेंट है करेंसी साइन देने होते हैं आपने सर सबसे पहले एसेट्स जो होते हैं वो नॉन करंट जो बिल्डिंग की होती है ना लॉन्ग टर्म में यूज करनी होती है उसके ऊपर बिल्डिंग बनी होती है लॉन्ग टर्म में यूज करनी है प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली लॉन्ग टर्म में यूज होते हैं फर्नीचर फिक्सर्स लॉन्ग टर्म में यूज होती है मोटर व्हीकल्स ये सारे नॉन करेंट एसेट्स हैं यहाँ आप इस तरह से लिखेंगे ये लें सर सारे नॉन करेंट एसेट्स सर करंट एसेट्स में क्या आता है सर इन्वेंट्री आती है जो हम चीजें बेचने के लिए खरीदते हैं सर कुछ एडवांस में हमने पेमेंट्स प्री पेमेंट पे कर दिए होते हैं एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें आने वाले साल में मिल जाएगा सर रिसीवेबल्स होते हैं आने वाले साल में जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं वो रिसीवेबल्स होते हैं बैंक में जो पैसा पड़ा होता है और जो कैश इन हैंड होता है सर तो सर इनमें से कोई भी बात अगर आपको तंग कर रही है तो पूछ लें अदरवाइज खुशखबरी ये है कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, है।, है जो हमने पढ़ना है सर इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है सर प्रीपेड पे एक पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है रिसिवेबल रिकन्सलेशन याद होगा इस पर पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है हाँ इस पे चैप्टर नहीं है इस पर छोटा सा चैप्टर एक पैटी कैश है लें जी लेटी कैश है कैश इन बैंक के ऊपर आपके पास बैंक रिकन्सलेशन है तो सर मजे की बात यह है कि एक दो तीन चार पाँच पांच चैप्टर इधर हैं और इधर एक चैप्टर है सर ये इन्हीं के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सर इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है सर आपकी जितनी कोशिश है वो सारी अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने पे होगी आप जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे वो अल्टीमेटली इस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को बनाएंगे क्योंकि आपकी एंड प्रोडक्ट ही है आप जो मर्जी इधर उधर करें अल्टीमेटली उसने इधर आके गिरना है एसेड होगा तो इधर गिरेगा चाहे करंट में गिरे चाहे नॉन करंट में गिरे जी मेरे बच्चों क्या यहाँ तक साथ हैं प्लीज बताएं अगर किसी भी बात में कोई कंफ्यूजन है कोई बात समझ नहीं आ रही प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है जी सर ओके okay कर बोले जरा माइक ऑन करके अगर यहां तक साथ हैं तो थैंक यू सो मच अब मेरे बच्चों सर ये समझ आकी है लेकिन एक बात है सर के सिंगल कॉलम बनानी चाहिए डबल कॉलम सर अच्छा यार ये ना हम लोग हम लोगों को ना खाम खा उन लोगों ने ना कंफ्यूज किया हुआ है कि ये करना है डबल कॉलम बनाई ना बनाई तो गलत हो जाएगा ये मसला ही नहीं है यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मसला है ही नहीं मेरे भाई ने ना बस बनानी है अगर आप ये वैल्यूज लिख गए चाहे डबल कॉलम में लिखें चाहे सिंगल में ये ये लड़ाई है ही नहीं यार ठीक है वैसे खूबसूरती के लिए हम कहते हैं कि यार पहले इधर लिख लेना ये ये सारा ये हंड्रेड इधर लिख लेना ये हंड्रेड इधर लिख लेना ये हंड्रेड इधर लिख लेना ये फिफ्टी फिफ्टी इधर लिख लेना टोटल इधर कर लेना ये खूबसूरती है इसका काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं इसका मार्क्स डिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं ठीक हो गया भाई तो डबल येस, कॉलम येस, बनाए या सिंगल कॉलम बनाए कोई लड़ाई नहीं है वैसे हम डबल कॉलम ही बनाया करेंगे जरा खूबसूरत लगती है कि ये इधर इधर लिख रहे हैं इसका टोटल इधर आ रहा है ये सारा इधर लिखना है लेकिन इस तरह भी बनाएंगे तो ठीक हो जाता ठीक हो गया लेकिन हम डबल बनाएंगे। ठीक है चलो हम हाँ है, हम डबल बनाएंगे। बिल्कुल है, ठीक है सिंगल भी बना दूं, बड़े, वो आखिरी दिनों में फाइनल का क्वेश्चन करा रहा मैं एक ही कॉलम में बना दूं तो मेरे भाई ने वहां पे जाके लड़ना नहीं है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक चीजें ठीक लिखी हुई हैं कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता हाँ अगर बहुत सारा ही कट कर किया हुआ है तो फिर फर्क पड़ता है बच्चों और ये भी पता होगा कटिंग वाले के नंबर नहीं मिलने चले जी जी सर सर नेक्स्ट क्या है आग सर आगे चलते हैं आगे मेरे बच्चों कैपिटल सर साल के शुरू में कैपिटल आएगा सर कोई बताएगा इसका बैलेंस क्या है जल्दी से बताए जरा कोई एक बच्चा माई कौन करे कौन माई कौन करेगा अपना कौन से भाई करेंगे आदिल ही है मेरे साथ आदिल आप माई कौन ही रखना अपना

आपको क्लैरिटी है ये जो हम बात कर रहे हैं जी सर देख लिया था मैंने तो आ गया समझ हाँ जी चलो गुड हो गया यार गाइस चलें गुड मेरे बच्चों जरा प्लीज डू लेट मी नो अगर को मसला है तो प्लीज 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 कंफ्यूज ना ले अगर आप कंफ्यूजन लेके चल रहे हैं ना ये कन्फ्यूजन बड़ी होती जाएंगी अगर आप क्लैरिटी के साथ चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं होना तो आपको लगेगा यार ये तो शुगल ही चल रहा है सबको क्लियर है आदिल थैंक यू डबल एंट्री बताने के लिए ले मेरे बच्चों ये कैपिटल आ गया फिर वही बात ये इसको कॉलम में लिख लें ये सब को और इसका टोटल हो जाते हैं छोटे होते हैं तो फिर कॉलम शॉलम की लड़ाइया लड़ते हैं सर जिस तरह लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लॉन्ग एसेट नॉन करंट करंट होते हैं इसी तरह लाइबिलिटीज भी नॉन करंट करंट होती हैं सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में नॉर्मली बैंक लोन होता है सर बैंक से लोन लिया हो तो किसी दोस्त से लोन लिया हुआ है सर तो वो होता है सर नॉर्मली लोन आता है हमारे लेवल पे हमारे लेवल पे लोन आता है सर अगर आपने लोगों से चीजें खरीदी हुई हैं तो उन लोगों को पे करना है आपने वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है क्योंकि आने वाले सालों में पे करना होता है सर उधार कितने दिन का मिलता है जिन सप्लायर से उधार लिया होता है दस पंद्रह बीस चालीस दिन पचास दिन का वापस करने होते हैं आपने अगर कोई सैलरी पेएबल है तो वो भी आपने वापस करना होता है सैलरी पेएबल के साथ एक और मैं लिख रहा हूँ विच इज एक्सपेंस पेएबल कोई भी एक्सपेंस अगर पे हुआ ना उसे एक रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं तो वो वो भी इधर आ जाएगा सैलरी भी पेबल भी एक लेक्रूड एक तो ले पे एक चैप्टर पढ़ना है सर एक के ऊपर अच्छा सर ट्रेड पेबल्स पे भी चैप्टर है सर इस पे भी चैप्टर है इसपे भी चैप्टर है इस पे चैप्टर है।, है नहीं लेकिन मैं एक चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा इसमें ना वो सीखेंगे रीपेमेंट्स अगर इंस्टॉलमेंट्स में हो रही हूँ फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे बनाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रही है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है इस तरह के पंगे मैं सिखाऊंगा तो ऑल दो चैप्टर नहीं है लेकिन इसका एक चैप्टर बना के मैं कराऊंगा एक एडजस्टमेंट बना के कराऊंगा सर कैपिटल में मैक्सिमम यही होना है लेकिन कुछ एंट्रीज हैं जो मैंने पढ़ानी है तो मेरे बच्चों यहाँ तक साथ हैं तो प्लीज जरा बता दें बैलेंस शीट क्लियर है आपको तो कल मैंने सुननी है तो ये आप लोगों को आनी चाहिए मैं पूछूंगा हाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ आप कहेंगे सर दो हिस्सों में नॉन करंट करंट उनकी चार पांच एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए कैपिटल में ये होता है लॉन्ग टर्म की ये एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म की ये एग्जाम्पल है ये फॉर्मेट है तो इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों ने मुझे सुनाना है ये मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताओ अभी के लिए यहाँ तक साथ हैं ओके okay बढ़े आगे बढ़े क्या आपको याद आ गया कि क्या करना है ओके yes, okay, मेरे बच्चों थैंक यू सो मच आदिल नेक्स्ट अब क्या करना है आप लोगों ने जरा अंडरस्टैंड करते हैं अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे आ गए मेरे बच्चों जरा और करना इनकम स्टेटमेंट में एक बात जरा सुनना है एक बात सुननी है प्लीज जरा अंडरस्टैंड करना यार अगर कंफ्यूजन है तो है पागलों की तरह बैठे रहना सर इस यहाँ से यहाँ पे ये जो सेल्स आई है ये एक, एक ट्रांसफरिंग एंट्री के थ्रू आई है सर ये जो सेल रिटर्न आई है ये ट्रांसफरिंग एंट्री से आई है ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये ट्रांसफरिंग एंट्री से आया ये जो परचेजेस आई हैं ये ट्रांसफरिंग एंट्री से आई हैं परचेज रिटर्न ट्रांसफर एंट्री से आई हैं ठीक है ये परचेज का कोर एक्सपेंस है ट्रांसफरिंग एंट्री से आया ये पता चल रहा है आपको कि ये जो ये जो मैं लाइनें बनाई जा रहा हूँ ये अदर इनकम ट्रांसफरिंग से आई हैं ये ट्रांसफरिंग से आई हैं ये ट्रांसफरिंग से आई हैं ये ट्रांसफरिंग से आई हैं क्या ये बात पता चल गई आपको प्लीज डू लेट मी नो इसकी एक ट्रांसफरिंग हर साल की एक ट्रांसफरिंग एंट्री है क्या ही बात पता चल गई थैंक यू सो मच चलें गुड हो गया तो मिसपा बच्चे प्लीज मैं आप जरा माइक को ऑन करेंगी अपना सर मैं ये भूलने दूंगा ही नहीं आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराया करूंगा ना तो मैं इधर आ जाया करूंगा ताकि क्वेश्चन पे जाए ना तो क्वेश्चन पे एटलीस्ट तुम लोगों ने क्या करना है जरा सुनना है जी सर स्टार्ट करें फिर बच्चों एक आखिरी बात सुन लो जरा मैं पहले बता दूं तरीका क्या है हमारा पढ़ने का मेरे बच्चों हम लोगों ने ना क्वेश्चन करने पहले इधर इधर उधर से जाएंगे तो पास्ट पेपर्स पे ना हम ऑलरेडी लर्न करके जाएंगे सारा कुछ एक होती है थ्रू लर्निंग पास्ट पेपर्स के थ्रू लर्निंग क्या है कि एक टीचर टॉपिक समझाए फौरन पास्ट पेपर पे जाके उस, उसी उस पास्ट पेपर को सॉल्व करके कह ऐसे करना था एक तरीका ये होता है ठीक है नॉर्मली हम यही तरीका फॉलो करते हैं एक नॉर्मल बैच पढ़ाते हुए सर दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चंस करते दें, करते जाएं और पास्ट पेपर पे ना अपने आप को असेस करें क्या आपको कितना आता है हम लोग इस पे पैटर्न पे करेंगे काम हम पास्ट पेपर पे जाके अपने आप को असेस क्या करेंगे मैं टॉपिक एक तैयार करा दिया करूंगा आपको अब मैं कहूंगा लेन चलते हैं पास्ट पेपर पे और देखते हैं कितना आता है फिर आप मुझे बताया करेंगे सर एटी परसेंट तो हमें आता था नाइन्टी परसेंट तो आप हमें आता था ठीक है सेवेंटी परसेंट तो आता था अगर ये इतना आता हुआ तो आप कहेंगे आपकी तैयारी ठीक जा रही है और अगर इतना ना ना आता हुआ तो आप समझ लेना कि आप फेल होने वाले बच्चे हो इस दफा भी चाहे आप रिपीटर हैं चाहे तीसरी अटैम्प्ट चाहे दूसरी अटैम्प्ट तो हमने पास पेपर पे अपने आप को असेस करना है तो आप देखेंगे मैं पास पेपर्स पे जब आऊंगा ना एक क्लास रखा करूँगा हर टॉपिक के बाद एक पास पेपर्स की जिसमें तीन चार पास पेपर्स किया करेंगे उसमें हम लोग सारा पढ़ के इधर आया करेंगे मैं पास पेपर्स को छूने भी नहीं दूंगा आपने आप आप लोगों को पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इधर उधर के कुछ पुराने पास पेपर्स लेकिन आखिरी जो पांच अटैम्प हैं आखिरी फाइव अटैम्प्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से हम अपने आप को सेस कर रहे होंगे ये तरीका है ठीक है और आखिरी बात लड़ना ये, ये लड़ाई जो होती है ना आखिरी मंथ वाली पागलों वाली आखिरी मंथ हुए होते हैं आपने वो आखिरी मंथ पागल नहीं होना आपने हर टॉपिक एंड पे पागल होना हर टॉपिक एंड पे पागल पास्ट पेपर कर रहे हैं खप रहे हैं ये कैसे हो गया ये वाला काम आपने हर टॉपिक के एंड पे करना वैसे तो डेली करना चाहिए लेकिन डेली मैं ही करवाऊंगा जो सुनता जाऊंगा मैं बार बार तो मैंने मेरे एक बच्चे को कहा था माइक ऑन करे किसको कहा था मैंने माइक ऑन करे माइक ऑन करके बता दे किसको कहा था मिसबा मुझे कहा था हाँ जी हाँ जी मिसबा बच्चे मेरा बच्चा सेल्स को ट्रांसफर करने की एंट्री ये क्या एंट्री बनी होगी प्लीज जरा एंट्री पूछ रहा क्लोज करके इनकम स्टेटमेंट में लाने की एंट्री पूछ रहा हूँ खाली सेल्स की एंट्री नहीं पूछ लेना मुझे कैश टू सेल्स ना बता देना डेटर टू सेल ना बता देना बताएं ट्रांसफरिंग एंट्री क्या क्लोजिंग एंट्री ऑफ सेल्स अकाउंट टू इनकम स्टेटमेंट सेल्स हमारे पास डेबिट uh, हो रही है ठीक है और इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है शाबाश मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक शाबाश अब मुझे इसी तरह इस तरह ये देखें ये अदर इनकम भी आई हुई है ये ये अदर इनकम आई हुई है ये ये हंड्रेड इसकी डबल एंट्री बताएं देख लो ये अदर इनकम क्या है ये गेन ऑन डिस्पोजल है ये गेन ऑन डिस्पोजल है गेन ऑन डिस्पोजल हमारे पास गेन हो रहा है तो वो प्रॉफिट है हाँ ठीक है उसका बैलेंस क्या होता है इनकम का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट होता है तो इसको खत्म करना है मैंने क्या करूं तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे हाँ हाँ आपने गेन के अकाउंट को खत्म करके इनकम स्टेटमेंट में लाना है सामना थैंक यू बच्चे बच्चे सेल्स की जो एंट्री थी सेल्स भी तो एक इनकम है आप इनकम को इनकम स्टेटमेंट में लेके आई थी अदर इनकम भी तो एक इनकम है उसको भी तो इधर लाना तो अकाउंट देखें प्रॉफिट देखें, का और डिस्पोजल ऑन प्रॉफिट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी ये एंट्री बननी है बात समझ लगी या कंफ्यूज हो गया कंफ्यूजन हुई हाँ जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप सिर्फ नाम नहीं ना यूज कर रही मैं आपको और एंट्रीज बताता हूं। देखना जरा, इसको <coughs> इनकम को, को, स्टेटमेंट में लेके जाना है एंट्री बताओ इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं क्या एंट्री बनेगी आप ही मेरे बच्चों में इस इनकम हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी रेंटल इनकम हमारे पास क्रेडिट होगा ठीक है और डेबिट किसे करूं इनकम स्टेटमेंट को ठीक है आप ये एंट्री क्या सोच के बना रही हैं बताएं मुझे क्योंकि हम लोग ने रेंट इनकम को ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करने के लिए रेंट इनकम को खत्म करना है या बढ़ाना है नहीं खत्म करना है तो फिर बताए मेरा पुत्र परेशान नहीं होना घर में बैठे हुए हो ना परेशान होने वाली क्या बात है रमशा थैंक यू बिल्कुल ठीक डबल एंट्री बनाई है आपने मेरा बच्चा मिसबा परेशान हो गया आप नहीं सोच रही हूं अच्छा ये रेंट इनकम को आपने खत्म करना इसका बैलेंस क्या है क्रेडिट मैं खत्म करना चाहता हूँ इसे क्या करूं इसको डेबिट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट ठीक है क्रेडिट कर देंगे क्या ये बात समझ में इन... लगी नहीं तो इनकम स्टेटमेंट इनकम तो हमारे पास क्रेडिट की नेचर होती है ना तो यही तो किया है हमने ये वाली इनकम को उठा के इनकम स्टेटमेंट में जब क्रेडिट किया तो इनकम स्टेटमेंट में वो क्रेडिट नेचर ही रह गई ना ठीक है ये देखो जरा मुझे बताओ कि ये सेल्स इधर क्रेडिट है या डेबिट है ये ये सेल्स इधर क्रेडिट है या डेबिट है क्रेडिट हो रही है ये इनकम ये प्रॉफिट इधर क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है बताएं जरा इनकम है ना हाँ जी क्रेडिट है या डेबिट है क्रेडिट है ये क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट है ना ये है देखें ये इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट है सेल्स के साथ ये इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट है अदर इनकम के साथ तो वो जो जो अकाउंट जहां से आप उठा के ला रहे हैं उसको डेबिट करोगे इसको क्रेडिट करोगे तो डबल एंट्री पूरी होनी है पक्की बात है हाँ जी लेक्चर दोबारा देखना है कल वाला कल वाला वाला और परसों ठीक है लेकिन हाँ लेकिन जी. लेकिन वो देख लेना मैं मैं अभी तो आपको करा के छोड़ूंगा लेकिन जी डिविडेंड इनकम है पता नहीं कौन सी इनकम है आपको नहीं पता ये डिविडेंड इनकम क्या होती है लेकिन ये पता चल गया डिविडेंड इनकम है ठीक है अब मुझे बताओ कि इसके अकाउंट को खत्म करके इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है बताएं क्या करें इनकम की नेचर हमारे पास क्रेडिट होती है तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे किसको खत्म करने के लिए इन, डिविडेंड इनकम को हाँ ठीक है डेबिट डिविडेंड इनकम करेंगे, हाँ, करेंगे स्टेटमेंट में लेके जाना तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे थैंक यू सो मच जल्दी से रेंटल इनकम का बताओ क्या करेंगे रेंटल इनकम इनकम स्टेटमेंट में लेके जानी है इनकम स्टेटमेंट को करेंगे रेंटल इनकम हमारे पास क्रेडिट uh, होती है तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे हाँ कैसे अच्छा चलो नहीं 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 नहीं, नहीं। आ, बाकी लोग ठीक जा रहे हैं तला आप बाकी लोग सारे डबल एंट्री से ही पास कर रहे हैं आ, एक मिनट के लिए मैं ना आप, आपको थोड़ा और समझाता हूँ देखो बच्चे एक चीज को ना सीखने के बड़े तरीके होते हैं रटा नहीं लगाना आपने आप ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो इस बात से घबराना भी नहीं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो ठीक है मुझे सिर्फ ये बता दो कि रेंटल इनकम का बैलेंस क्या है रेंटल इं... ठीक है मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मैं दोबारा रेंट इनकम को क्रेडिट करूंगा तो ये बढ़ जाएगी या ये कम हो जाएगी कम हो जाएगी क्रेडिट करने से क्रेडिट की नेचर की चीज क्रेडिट करने से बढ़ती है कम होती है? कम होती है नहीं आ, दुबारा से क्वेश्चन करें क्रेडिट की चीज है क्रेडिट नेचर है उसको क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी थैंक यू डेबिट की चीज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं डेबिट ही करते हैं थैंक यू डेबिट की चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं चलो ठीक है क्या यहाँ तक आप साथ हैं हाँ जी चलो मेरे बच्चे जो आप जिस जिन एंट्रीज पे मैं आपको खपा रहा हूं, जिन एंट्रीज पे मैं आप लोगों को खपा रहा हूँ वो वो एंट्री क्या है मुझे सिर्फ ये बता दो ये रेंटल इनकम है वो एंट्री क्या है उस, उस एंट्री को कर दो, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे रेंटल इनकम हमारे पास क्रेडिट होती है इसकी नेचर तो जब हम इसको खत्म करने के लिए मतलब आ, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हम इसे डेबिट करेंगे ठीक है नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा मैं अभी ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ मेरी जो पूरी डिस्कशन है एंट्रीज की वो क्या है क्या रेंटल इनकम को बुक करने की मैं पूछ रहा हूँ कि पहले दिन रेंटल इनकम बुक करनी है कैसे करें एंड इनकम लिख के बताओ मुझे रेंट आया है क्या मैं ये पूछ रहा हूँ या मैं ये पूछ रहा हूँ भेज दो इस अकाउंट को क्लोज करके मैं पूछ के इनकम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है इसको तो उसके लिए मुझे इसको खत्म करना है या इसको बढ़ाना है ये ये इसको खत्म करना है खत्म करना, खतम करना. बात है हाँ जी तो मेरा बच्चा अब इसकी नेचर क्या होती है इनकम इनकम का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या है इनकम की नेचर क्या होती है क्रेडिट क्रेडिट होती है पक्की बात है हाँ जी अगर इनकम की नेचर क्रेडिट होती है अगर इनकम की नेचर क्रेडिट होती, होती, होती है तो उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूं डेबिट करेंगे बिल्कुल ठीक है तो रेंटल इनकम डेबिट होगी ना खत्म होने के लिए

उसको खत्म करने के लिए उसके अगर खत्म करने के बाद जो जिसमें हम लोग लेके जा रहे हैं चाहे इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट को उसको उसके ऑपोजिट कर देंगे बिल्कुल ठीक यानी पहले एक एंट्री बना लो इसको खत्म करने की और दूसरी साइड पे इनकम स्टेटमेंट लिख दो सही ये बात इस तरह भी याद हो सकती है एक दूसरा तरीका भी आप पहले इस तरह याद करना मैं आपको और एग्जांपल्स पे ले जाऊं या बस आप डन है आज के लिए मैं किसी और भाई बहन की तरफ चला जाऊं एक पूछे चलो शुक्र है डिविडेंड इनकम ये जी बाकी लोग भी बताते जाएं यार बाकी लोग मैं मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है बाकी लोग भी बता दें आप लोग भी पढ़ने आए हुए हो डिविडेंड इनकम को ट्रांसफर करना है मैंने इनकम स्टेटमेंट में बच्चा डिविडेंड इनकम की नेचर हमारे पास क्रेडिट होती है तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे शाबाश ये हुई ना बात डिविडेंड इनकम शाहिर हैदर शाबाश क्रेडिट आपने इनकम स्टेटमेंट करना है बिल्कुल ठीक चलो गुड है ये बात समय लगी अब अब थोड़ी हाँ दिमाग खुला थोड़ा तो फिर हाँ मैं हाँ आपको जी। थोड़ा सा और टेस्ट कर लूं हां <laughs> जी रेंट एक्सपेंस है रेंट एक्सपेंस है इसको ट्रांसफर कर दें प्लीज रेंट एक्सपेंस की नेचर हमारे पास डेबिट होती है तो हम लोग इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो इनकम एक्स इनकम स्टेटमेंट को हम लोग uh, करेंगे क्रेडिट सॉरी डेबिट करेंगे चलो शुक्र है थैंक यू फातिमा थैंक यू तलहा अली जफर ठीक हो गया याद होगी मेरे बच्चे हाँ जी अच्छा मेरे बच्चे हमारा ना पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज है मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ जरा रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इधर देखना मैंने क्या पढ़ाया प्लीज जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा मैंने पढ़ाया क्या है और मैं क्या चाहता हूँ देखिए मैंने फॉर्मेट नहीं पढ़ाया सिर्फ मैंने फॉर्मेट तो पढ़ाना ही है ये वाला लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस फॉर्मेट पे जिस तरह डबल एंट्रीज आई हैं गाइस एक मिनट सर जस्ट वन सेकेंड गाइज तो, सर मैंने क्या पढ़ाया है जरा प्लीज अंडरस्टैंड करें मैंने फॉर्मेट के साथ साथ आवाज आ रही है प्लीज बता दीजिएगा यार गाइस मेरे बच्चों मैंने फॉर्मेट के साथ साथ मैंने आपको ये सिखाया है कि यार आप फॉर्मेट तो पढ़ें फॉर्मेट तो पढ़े आप लोग ये फॉर्मेट पढ़ लें लेकिन जब ये आप इधर लिख रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए ये किस एंट्री के थ्रू यहाँ पे आया जब ये सेल्स रिटर्न आप इधर लिख रहे हैं आपको एक तो फॉर्मेट आना चाहिए आपको यहाँ पे लाने की एंट्री आनी चाहिए इसको लाने की एंट्री इसको लाने की एंट्री आपको पता है मैंने इन का चैप्टर पढ़ाना है वहां पे भी जाके मैंने ये एंट्रीज पढ़ानी है ये एंट्रीज बार बार रिवाइज भी होनी है कई जगहों पे जाके लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार ये फॉर्मेट पढ़ते हुए क्यों नहीं याद आपको यार जब फॉर्मेट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यार इस एंट्री के थ्रू आई है यार एग्जामिनर कहेगा क्लोजिंग एंट्रीज तो आप जल्दी से क्लोजिंग एंट्रीज बना के मुंह पे मारेंगे उसके मेरे बच्चे यहाँ पे हर चीज एक क्लोजिंग एंट्री के थ्रू आ रही है मैं चाह रहा हूँ खाली फॉर्मेट तो आप लोगों ने आप लोगों को कौन तो सा पहली दफा पढ़ रहे हो कि खाली फॉर्मेट पढ़ाऊं फिर आगे चल के मैं डबल एंट्रीज कराऊं मेरे बच्चों को बात समझ लगी कि मैं किस स्ट्रगल में हूं खाली फॉर्मेट तो पढ़ ही रहे हैं हर बच्चा ही पढ़ लेता है खाली फॉर्मेट चले गुड हो गया ले जी गुड हो गया शाबाश ले जी तो हम लोग इन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ इनकी जो डबल एंट्रीज के थ्रू ये बन रही हैं वो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं ओके गाइस बिल्कुल फातिमा जारा शाबाश मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक फातिमा जारा ने एक लाइन लिखी है Uh, एंट्रीज, लाइन एंट्रीज किसी ना किसी चीज को क्लोज करके आप लेके आ रहे होते हैं डन हो गया चले अब मेरे बच्चों फॉर्मेट सर जरा फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो जरा ताकि जरा क्लैरिटी रहे सर बिजनेस का नेम हुआ करेगा जो भी बिजनेस का नाम हुआ वो लिखा करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम इनकम या स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है ये फॉर द ईयर का मतलब होता है जी सर प्लीज सलाह सर आ, सर हम पहले क्लोज करने से पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते थे तो हमने इस दफा नहीं की या वो कंपलसरी होती है नहीं होती होती हैं अभी नहीं की हमने सर अभी पढ़नी है हमने ठीक हो गया सही है सर ठीक हो गया ठीक है गुड हो गया और कोई भाई जी प्लीज इस तरह के क्वेश्चन पूछें सर

याद है समझ लग जाए चलो गुड और पूछो yes, तरह के क्वेश्चन प्लीज क्लैरिटी लाए इस तरह के क्वेश्चन जी पूछें, पूछें चलें जी आई थिंक ये ओके है सर अब मेरे बच्चों जरा जल्दी से बताना फिर अगर इतनी बात क्लियर है तो जी सबसे पहले सर हम सेल्स ये सर दो कॉलम बना लें तीन कॉलम बना लें प्लीज ये लड़ाई नहीं है ये आपकी मर्जी है जैसे दिल करे कर लेना बस समझ लेना कि हो क्या सर सेल्स हैं हम यूजली टू कॉलम्स ही बनाया करेंगे सर देखें ये सेल्स हैं सर ये इसमें से सेल्स रिटर्न जो होगी वो तो हमारी सेल्स रही नहीं सर तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके ये हमारी आ जाएंगी सेल्स नेट सेल्स भी बोलते हैं सर यहाँ तक साथ हैं सर नेट सेल्स ओके सर सर फिर उसके बाद आपने लेनी हो, लेनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल ओके गाइस ओपनिंग इन्वेंट्री होती है सर आप लोगों की ये ओपनिंग इन्वेंट्री है ओके okay, जी ओपनिंग इन्वेंट्री सर फिर परचेज आती हैं सर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं आप सर नेट परचेजेज आ जाती हैं सर फिर ना कल बच्चे ने कहा भी था जब मैं कल फॉर्मेट बना रहा था तो वो कह रहा है कैरेज इनवर्ड्स भी आती हैं बिल्कुल सर को परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ ना परचेज एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कैरेज इनवर्ड है भी इधर आ जाएगा सर सर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल सर सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे ना तो यू विल गेट टू ग्रॉस प्रॉफिट वो बता सकता है कि यहाँ तक के एरिया को क्या बोलते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट तक के एरिया को क्या बोलते हैं ठीक हो गया इसलिए जब आप सेल्स को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे तो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ये भी कर सकते हैं ना डेबिट सेल्स क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट मिसबा बच्चे ये कर सकते हैं आप जहां लेके जाना है उसको अपोजिट करो सेल्स को खत्म करने के लिए अपोजिट करके उसके अगेंस्ट क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हैं हम इनकम स्टेटमेंट की जगह क्योंकि इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट है तो बाबा से क्वेश्चन करें मेरे बच्चे मैंने ना इनकम स्टेटमेंट के इतने एरिया को ग्रॉस प्रॉफिट तक के एरिया को कह दिया है कि ये जो एरिया है ना ये ट्रेडिंग अकाउंट का एरिया ठीक है उसे खत्म करना है मैंने डेबिट डिसेल्स किया क्रेडिट मैंने इनकम स्टेटमेंट कर दिया अब क्योंकि इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया तो क्या ये इसकी जगह ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड आ सकता है जी सर आ सकता है

तो ये क्यों अलहदा अलहदा लिखा जाता है क्या पर्पज है इसको अलहदा अलहदा लिखने का सर सेल्स जो हो रही है वो हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से पे जो हम कर रहे हैं दिल्गुल तो, तो अदर इनकम हो सकते हैं हम अपने कंपनी का कोई एसेट बेच रहे हो या हमने किसी को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट हमें मिला हो तो वो अदर इनकम थैंक यू यार सलाह थैंक यू सो मच मेरे बच्चों ये जो आप लोग सेल्स है ना ये आपका ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और जो अदर इनकम होती है ये इधर उधर से आई होती है ये आपका मेन बिजनेस नहीं होता तो आप लोगों को वन ऑफ थी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे आपने बैंक में रखवा के इंटरेस्ट कमा लिया आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे आपने एक प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे के रेंट कमाना शुरू कर दिया फिर आपने ये आपका मेन बिजनेस नहीं है आपके पास एक नॉन ग्रेंड एसेट सरप्लस था आपने बेच के प्रॉफिट कमा लिया ये जो होती है ना ये लैदा दिखाना इसलिए जरूरी होती है कि हम लोग लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारा मेन बिजनेस क्या कर रहा है ये इधर से जान लो मेन बिजनेस क्या कर रहा है इधर से जान लो और जो इधर उधर से आ रहा है ये वन ऑफ है ये कभी कभार आते हैं ये रेगुलर हम कमाने के लिए ये कमाने के लिए नहीं हम बैठे हुए तो ये इधर उधर से क्या आ रहा है ये अंदाजा लगा लो इसलिए इनको मिक्स करने से ना आप लोगों को ये अंदाजा देंगे कि हमारा मेन बिजनेस ही अच्छा है सपोज करते हैं यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन आ गया अब ये तीन मेन बिजनेस नहीं है तो लोग क्या करते हैं पांच दिखा के अपने मेन बिजनेस को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं उनकी कोशिश होती है कि बड़ा बिजनेस हमारा बिजनेस बड़ा नजर आए ताकि लोगों को लगे बड़ी है ये काम आपको अलाव नहीं करते अकाउंटिंग वाले कहते हैं यार जब आपने रिपोर्टिंग करनी है जब आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है तो सही रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन क्या है सही इंफॉर्मेशन तो ये है कि जो इधर उधर से आ रहा है उसको अलहदा रखें और बाकी चीजों को अलहदा रखें क्या ये बात समझ लगी मेरे बच्चों को तो आगे चल के ख्याल रखना पड़ेगा कि चीजें अदर इनकम होती हैं या सेल्स होती हैं ठीक है फिर मेरे बच्चों अदर एक्सपेंसेस हैं सर ये सारे अदर एक्सपेंसेस हैं कई तरह के एक्सपेंसेस हैं मेरे बच्चों सैलरीज वेजेस रेंट एक्सपेंस रेट्स डेप्रीसिएशन इंश्योरेंस पेंटिंग रिपेयर मेंटेनेंस मिसपा मेरा बच्चा दोबारा मुझे ये बता सकते हो कि ये एक्सपेंसेस जब इनकम स्टेटमेंट में टी अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट में आए होंगे तो क्या एंट्रीज बनी होंगी आप सैलरीज एंड वेजेस का बता दो प्लीज बताएं जी एक्सपेंसेस हमारे पास डेबिट होते हैं ठीक तो है जब हम लोग जब हम लोग इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट होगा होगा और हमारे पास होगा, हमारे पास पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो वो डेबिट हो जाएगा शहजादा मेरा बच्चा शेजा निकला इतनी सी बात थी ले, लेकिन यार गाइस ये भूलेंगी आदत नहीं है ना इस तरह सोचने की तो प्लीज जरा आदत बना लें बिल्कुल ठीक रमशा उमर शाबाश मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कर रहा है तो बच्चों बस सिर्फ आदर डेवलप करो आदर डेवलप करो कि हमने क्या पढ़ा है तो मेरे बच्चों ये नेट प्रॉफिट आ गया इस नेट प्रॉफिट को किधर लेके जाना होता है जल्दी से बताएं ये नेट प्रॉफिट किधर जाता है एसओएफपी में एसओएफपी में कैपिटल में जाके ऐड होता है लेस होता है ऐड होता है अच्छा देखो अब जब आप इनिशियली पढ़ रहे होते हैं ना शुरू शुरू में लॉस तो लेस का आज ओके okay गाइस अब देखो शुरू में जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हम इस चीज पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि ये इधर आके ऐड होना है या लेस होना है इधर आना है ऐड होना है ये हमारी पहले पहले नए बच्चों की स्ट्रगल होती है ये लॉस हो तो लेस होना इधर वो बेचारों को याद नहीं हो रहा होता अच्छा इधर लेके जाना है याद कर रहे होते हैं मैंने आपकी स्ट्रगल को ना थोड़ा ऊपर ले गया हूं मैं क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है मैंने आपकी स्ट्रगल को ले आया हूँ कि भाई इधर तो आना है ये तो तुम लोगों को पता ही है साथ में डबल एंट्री है वो भी आनी चाहिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मेरे बच्चों को बात समझ लगी है ना मैंने क्या पढ़ाया मैंने मैं मैं इधर उधर नहीं होने दे रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिंक्ड रहे बातें ले मेरे बच्चों यहाँ तक अगर आप साथ हैं तो हमने ये पढ़ना था ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ गाइस ये नोट्स ना सर काशिफ के हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छे टीचर हैं काशिफ अदील साहब तो ये उनके नोट्स हैं तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा यार मैं आपके नोट्स यूज कर लू उन्होंने कहा कर लें तो इसलिए फिर ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नोट्स ठीक है तो ये उसका चैप्टर ये पेज उसका है पेज सेवन है जो नोट्स आपको शेयर करूंगा उसमें सारे कुछ ही है तो ये उसका भी पेज सेवन है यहाँ तक सारे सर अदर, सर सर, अ, सर अदर इनकम एक क्वेश्चन है अदर एक्सपेंस पर जी कि सर जी, अगर मिसलिनियस एक्सपेंस आए तो सारे एडजस्टमेंट उसी में ही होंगे मिसलेनियस में कि जैसे सैलरीज हैं या और कोई एक्सपेंस है बिल्कुल भी नहीं अगर तो खाली एक हेडिंग दी हुई है ना मिसलिनियस एक्सपेंस के अलावा कोई और हेडिंग है ही नहीं फिर तो ठीक है फिर तो ठीक है सारा कुछ उधर डाल अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे हम लैदा बनाएंगे एक्सपेंस लेदा बनाएंगेदा आ जाएगा बाकी ये सारे ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं भाई ये एक्सपेंसेस हैं ठीक है ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं या फिर सिर्फ एक हेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की ठीक है लेकिन इंट्रो के लेवल पे मैं इंट्रो के लेवल पे बात कर रहा हूं भाई इस इनफॉर्मेट्स को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं ठीक है तो इंट्रो के लेवल हम हर हम इस तरह एक बनाएंगे ठीक है ठीक है मेरा बच्चा जो भी था भाई और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज बताएं जरा सर ये फॉर्मेट्स गए हैं सर याद हैं हो जाएंगे फॉर्मेट्स डबल एंट्रीज ट्रांसफरिंग डबल एंट्रीज के साथ याद हो जाएंगे सर और ऑपरेटिंग में कौन-कौन सी एक्सपेंसेस आ सकते हैं? बच्चे, ये जब मैं जिसका हमें हमें जरूरत नहीं okay, okay, सर okay. पक्का मसला तो नहीं है नहीं नहीं सर ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच बच्चों अच्छा जी अब आगे क्या करें सर सर ये जी आपके पास आगे जी। जी फॉर्मेट्स बना दिए मैंने अभी तक मैंने सिर्फ आंसर स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स बनाए हैं अभी तक मैंने क्या पढ़ाया मेरे बच्चों जी सर सबसे पहले बच्चों रमशा पुत्र जरा बताना जरा बल्कि अशना बच्चा मेरा खामोश है आज अशना बच्चे बताना आप मुझे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा पहले दिन मैंने आते ही क्या पढ़ाया थैंक यू सो मच अकाउंटिंग साइकिल में क्या था प्लीज बताएंगी आप मुझे जी सर हमने ट्रांसैक्शंस की थी फिर वो सोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जी सर फिर इसके आगे लेज़र्स होंगे पर्सनल लेजर होता है जिसमें बाय नेम सारे सेव होंगे और जनरल लेजर भी कहते हैं नेक्स्ट बैलेंस जाएगा उसका ट्रायल बैलेंस के अंदर और फिर उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फाइनल जर्नल बनेगा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस एडजस्टेड बता रहा था वो पता है ना आप लोगों को भेजने की एंट्रीज थी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आती एडजस्टमेंट्स उनकी एंट्रीज रहती है, अभी। ये पता है ना आपको ये एंट्रीज रहती है ठीक हो गया जी ले सर ये जी कहानी थी अब मेरे बच्चों अगली चीज क्या है हमने अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तसली से सीखा ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को सीख लिया हमने अब मैं मेरे बच्चों आ रहा हूँ जर्नल एंट्रीज पे वो जर्नल एंट्रीज क्या है फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा कल या परसों में ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और जो आज मैं डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा मैं उनको यूज करूंगा बेसिक से क्वेश्चन होंगे ये वाले जिन जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फिर हम लोग ना ये चैप्टर्स पढ़ते पढ़ पढ़ के एक एक चैप्टर के साथ फाइनल के क्वेश्चंस करते जाएंगे हम ये नहीं करेंगे पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन हम हर चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर की एडजस्टमेंट्स के साथ फाइनल अकाउंट्स करेंगे हमारा फोकस उस एडजस्टमेंट पे होगा और हर तरह पंगे ले लेके करेंगे ले मेरे बच्चों मैंने आपको सिखाया क्या पढ़ना है तो मेरा आज का टॉपिक है मेरे बच्चों डबल एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज इन डबल एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज को ना मैंने डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है पहली एंट्रीज मैंने ड्राॅइंग्स की लेके आया हूँ तो जरा हम ड्राॅइंग्स की एंट्रीज को समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हमने आगे करना क्या और मैं ट्रांसफरिंग एंट्रीज को छोड़ दूंगा या तुम लोगों को लग रहा है कि मैं साथ साथ ही रखूंगा तुम लोगों को क्या लग रहा है मेरे पढ़ाने के तरीके से मैं भूलने दूंगा तुम लोगों को ट्रांसफरिंग एंट्रीज क्या लग रहा है भूलने दूंगा मैं तुम लोगों को चलो गुड इनशाला भूलने नहीं देंगे ले मेरे बच्चों अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पे हैं जरा और करना सर सर जर्नल एंट्रीज को ना मैंने डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर लिया है मैं ड्राइंग्स में जो जर्नल एंट्रीज में ड्राइंग्स की जो जर्नल एंट्रीज हो सकती है ना डिफरेंट जो पंगे हो सकते हैं वो हम इनको इधर कवर कर लेंगे फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में जो पंगे होते हैं हम उनको कवर कर लेंगे फिर मेरे बच्चे सेल्स की एंट्रीज में कुछ पंगे हो सकते हैं हम उनको पढ़ लेंगे फिर मेरे बच्चे परचेजेस में कुछ पंगे होते हैं हम वो पढ़ लेंगे ठीक है फिर मेरे बच्चे अदर इनकम एक्सपेंसेस में कुछ पंगे होते हैं वो हम पढ़ लेंगे यानी ये जो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री इनकम को रिकॉर्ड करने की एंट्री परचेजेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री अदर इनकम को रिकॉर्ड करने की एंट्री ये रिकॉर्डिंग एंट्रीज में पढ़ाऊंगा तो पहले इनकी रिकॉर्डिंग एंट्रीज होती हैं जरा सुन लें अब टाइम नहीं है आज के लिए रिकॉर्डिंग एंट्रीज होती हैं यार किन बच्चों का question, आगे पेपर अब होता है यार क्या बोलते हैं उसको क्लास किन लोगों की होती है सर सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग एंट्रीज बनाते हैं रिकॉर्डिंग अकाउंट से चीजें चली जाती हैं टी अकाउंट्स में सर टी अकाउंट्स को क्लोज कर, करते हैं आप लोग इनकी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं सबकी नहीं होती कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती वो आपको पता है और ये क्लोजिंग एंट्रीज के साथ इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं और कुछ डायरेक्ट बैलेंस शीट में चले जाते हैं मैं यहां पे था अभी तक अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ रिकॉर्डिंग एंट्री से टी अकाउंट बनाना सर समझ लग गया मैं कहां पे हूँ सर प्लीज जरा कीजिएगा किन बच्चों की क्लास होती है यार प्लीज बताएंगे जरा मुझे ट्वेल्व थर्टी पे किस किस की क्लास होती है अर्षना की क्लास होती है अर्षना कितने बजे तक चलती है क्लास दो लोगों की होती है जी मिसत और दोनों की होती है तो वन आवर तक चलती है अच्छा यार बच्चों अभी ना अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा के निकल जाता हूँ जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे ना तो मुझे थोड़ी सी थोड़े दिन के लिए डबल क्लास करनी पड़ेगी तो मेरी कोशिश है कि हम सिलेबस को जल्दी भी वाइंड अप कर लें अच्छा भी कर लें और जल्दी भी तो किसी को मसला तो नहीं है अगर हम डबल क्लास कर लें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन ऐसे ही हुआ करेंगे वीक में एक या दो दिन जिसमें हम प्रैक्टिस किया करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में ठीक है तो वो फिर टाइम सबके साथ मिलके डिसाइड करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि मैं टाइम अपनी मर्जी से रख लूंगा वो सबके साथ मिलके डिसाइड कर लेंगे ठीक है ये याद रखना कि हमने काम करना है तो पहले ही तैयार रहना उसके लिए जी जी शाम में ही रखेंगे बिल्कुल शहीद शाम में रखेंगे चलें गाइज आज के लिए इतना ही था आप टाइम नहीं है तीन मिनट रह गए हैं लेकिन मैं सिर्फ जाते जाते आप लोगों को सैटरडे ऑन है जी सैटरडे ऑन है तलहा सैटरडे ऑन है सैटरडे ऑफ नहीं है ठीक है सैटरडे ऑन है ओके गाइज अब मेरे बच्चों जरा प्लीज अंडरस्टैंड करें जरा ये ड्राॅइंग्स हैं ड्राॅइंग्स में मैं जाते जाते सिर्फ कुछ बता दूँ सर ड्राॅइंग्स आपको पता है कैश में भी हो सकती हैं वो बंदा कैश भी लेके जा सकता है ऑनर ऑनर सर बिजनेस के नॉनक्रंट एसेट भी लेके जा सकता है फर्नीचर वगैरह गाड़ी वगैरह सर ऑनर चेक के थ्रू भी पैसे लेके जा सकता है सर हो सकता है ऑनर के एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस हो ऑनर एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस हो सर ऑनर जो है वो गुड्स भी इन्वेंट्री नॉन करेंट लिखा ना मैंने इन्वेंट्री भी उठा के ले जा सकता है तो सर इस तरह पढ़ेंगे हम ये ले जाए तो क्या एंट्री है 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 आई होप होपाइज इस तरह मैं कोशिश करूंगा वो जो आगे चल के आ जाता है ना ड्रॉइंग इसमें होगी उसमें होगी मेरी कोशिश होगी कि इधर कवर कर ड्रॉइंग खप लें जितना खपना तो ताकि ड्रॉइंग्स की एंट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे बच्चों इसी तरह कैपिटल क्या क्या हो सकता है तो कल इन शाह ये सीखते हैं फॉर्मेट याद होने चाहिए काउंटिंग साइकिल याद होना चाहिए ट्रांसफरिंग एंट्रीज याद होनी चाहिए थैंक यू सो मच एवरी वन और जिस दिन बोर हो मुझे बता देना है कि सर बोर हैं स्लो पढ़ा रहे आप तो मैं उस दिन तेज हो जाऊंगा ठीक है अगर आपको लगे तेज हूँ तो उस दिन बता देना मैं स्लो हो जाऊंगा थैंक यू सो मच गाइज डन चले गाइज आज के लिए फिर इतना ही इनशाला कल मुलाकात होती है कल जुमा है कल भी मुलाकात होगी परसों भी होगी सैटरडे भी ऑन है इनशाला